हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं राहुल परमार आप सब लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम सैम्पलिंग मेथड पढ़ रहे थे, जो कि हमारी एडवांस बैंक मैनेजमेंट के चैप्टर 13 यूनिट नंबर 13 है, और इससे पहले हमने स्टैंडर्ड एरर के बारे में पढ़ा था। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, कैसे फाइंड आउट होता है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आइए हम देखते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन है। एग्जाम्पल दे रखा है कि 100 डिपॉजिट अकाउंट आर टेकन एज रैंडम सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिट्स। इफ़ मीन इज़ कम्प्यूटेड देर विल बी लार्ज नंबर ऑफ मीन्स। मतलब अगर आप जितने भी आपके बैंक में डिपॉजिटर्स हैं, जो कि बहुत सारे होंगे, इट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ओके, तो 100 डिपॉजिट अकाउंट्स आर टेकन एज रैंडम सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ लार्ज नंबर डिपॉजिट, यानी कि बहुत सारे डिपॉजिटर्स हैं और उसमें से अगर आप 100 डिपॉजिट अकाउंट को एज अ रैंडम सैंपल लेते हैं, तो इफ़ मीन इस उनका, फिर आपका अगर जितने सैंपल लेंगे उसका मीन भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ मीन्स ऑल्सो, ओके। तो ये एक चीज़ मैं आपको और बोल देना चाहता हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके साथ हमेशा बुक रहनी चाहिए। तो ये जो है पेज नंबर 132, 133, 134, उसी में से मैंने लिया है जो मुझे इम्पोर्टेंट लाइन लगती है, ठीक है। फिर आ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज मीन्स इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जितने भी अलग अलग सैंपल लिए, इसके अलग अलग मीन्स आए, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करा, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज मीन्स, इन्हीं मीन्स का जब आप फ्रीक्वेंसली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स भी कहते हैं। हो सकता है कि अभी ये लाइन्स पॉइंट आपको समझ में ना आए, लेकिन जब हम केस स्टडी करने के लिए जाएंगे और वहाँ जब क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो फिर आपको क्लियर होगा कि ये चीज़ जब हमने पहले पढ़ी थी, तब आपको जा करके वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर से बताना चाहूँगा कि अगर पॉपुलेशन में से आप रैंडमली 100 डिपॉजिट अकाउंट्स का सैंपल लेते हैं या 100 सैंपल लेते हैं, तो उसके अलग अलग मीन्स लेने पड़ेंगे, और जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दीज मीन्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। उसके बाद मीन ऑफ सैम्पल मीन्स इज कॉल्ड द मीन ऑफ यूनिवर्स, ओके। मीन ऑफ, ये एक्चुअली द है, और यू कैन से दी, इसमें टी वो हो गया है। तो मीन ऑफ सैंपल मीन्स इज कॉल्ड द मीन ऑफ द यूनिवर्स। मतलब जितने भी आपने, जैसे इससे पहले भी आपने एग्जांपल देखा होगा कि उसमें हमने दो दो करके सैंपल लिया था, और उसमें हमारे तीन सैंपल आ रहे थे, मतलब दो दो हमने मेजरमेंट लिया था, तीन सैंपल आ रहे थे। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, तो अलग अलग सैंपल के अलग अलग मीन आएंगे, और उन सब का भी अगर आप मीन ले लेते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मीन ऑफ द यूनिवर्स, ओके। देन एस डी ऑफ सैंपल मीन्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। एस डी बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, कि जितने भी जो सैंपल का मीन आ रहा है, उसका जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हो, तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। इट बिकम स्मॉलर वेन सैम्पल साइज। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन्स का मतलब क्या है वो पढ़ चुके हैं। तो फिर से उसी चीज़ को दोहराया जा रहा है इसमें, कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, जिसका ये साइन होता है, ठीक है। सो एज यू नो कि मीन को हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, ओके, और ये सिग्मा जो है वो इस तरीके से मेंशन करा जाता है। तो इट बिकम्स स्मॉलर व्हेन सैंपल साइज गेट्स लार्जर। तो जैसे जैसे सैंपल का साइज लार्ज होता रहेगा, स्टैंडर्ड एरर जो है वो छोटा होता रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यही एक एक मार्क्स के, आधे आधे मार्क्स के आ जाते हैं। फिर है स्मॉल वैल्यू ऑफ एस ई, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, दिस वन स्मॉल वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इंडिकेट्स। अभी देखिए इसमें क्या बताने की कोशिश करिए, कि जब आपका स्टैंडर्ड एरर आता है, तो अगर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कम आ रही है, तो वो किस बात को दर्शाती है, ठीक है। स्मॉल वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इंडिकेट्स, पहला, वेरियस वैल्यूज ऑफ सैंपल मीन्स आर क्लोज टू ईच अदर,
कि जितने भी अलग अलग मीन हैं उनके मतलब अलग अलग सैंपल के जो मीन आ रहे हैं, वेरियस वैल्यूज ऑफ सैंपल मीन आर क्लोज टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे के क्लोज हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ओके, वेरियस वैल्यूज ऑफ सैंपल मीन आर क्लोज टू, जो अलग अलग सैंपल हैं उनके जो मीन है वो क्लोज टू ईच अदर. एंड सेकेंड वन इज एवरेज डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स एंड पॉपुलेशन मीन इज स्मॉल, कि जो एवरेज डिफरेंस है सैंपल के मीन का और पॉपुलेशन के मीन का वो छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है. तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. ये तो हमारा अगर आप देखें तो जैसा पेज नंबर 132 में दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर, जिसको हमने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था. फिर 133 आ गया, 134, 135, ओके, देन 136, 137. तो उसके बाद आता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, दिस वन.